हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट स्टोरी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा कवर किया गया, लेकिन पाकिस्तान के सिविलियन हलकों में इसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया। ऑब्वियसली मिलिट्री हलकों में तो काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अगर हम जर्नलिस्ट या एक्सपर्ट्स के हवाले से देखें तो बहुत कम लोग मिलते हैं जिसमें मोहित पीरजादा या एजाज़ हैदर वगैरह, इन लोगों ने थोड़ा बहुत इस हवाले से कुछ प्रोग्राम्स या कुछ थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सियाचिन ग्लेशियर को, इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए, क्यों ये इतना एक रिमोट रीजन जहां पर एक्सेस वैसे ही बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको कराकरम पास के हवाले से काफ़ी डिटेल में बताया था, जो चाइना और इंडिया की LSE पर है, और उस रोड के बारे में भी बताया था, दरबोक शोक दौलत भी गोल्डी रोड, जो नॉर्दर्न लद्दाख में इंडियन आर्मी की मोबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसका एक सेक्शन जो गलवान वैली के सामने से गुजरता है, चाइना ने उसको अपनी रीच में कर लिया। चाइना किसी भी वक्त इंडियन जो रूट्स हैं उस गुजरगाह से उनको डिस्टर्ब कर सकता है, और वो रोड कनेक्ट करती है कराकरम पास को। और हमने ये भी देखा था लास्ट वीडियो में कि कराकरम पास के लेफ्ट साइड पर है पाकिस्तान और सियाचिन ग्लेशियर। मैंने इसलिए इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का सोचा क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर के हवाले से पाकिस्तानी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, जो इतना ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया पर इसे डिटेल से कवर नहीं किया गया, और जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि इंडियन साइड से बहुत ज़्यादा कवर किया गया इस मैटर को। अब मैंने इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखे, पाकिस्तानी साइड से भी, इंडियन साइड से भी, और कुछ न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स के। मैंने तकरीबन एक हफ्ता इस टॉपिक के हवाले से स्टडी किया है, और मैं कोशिश करूँगा कि जो मैंने समझा वो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। अब हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं हम डिटेल में जाएंगे, क्योंकि ये एक और बहुत बड़ा टॉपिक है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की डिवाइड हुई तो गोरों ने कई इलाके छोड़ दिए थे जिनको क्लियरली उन्होंने मेंशन नहीं किया था ये पाकिस्तान के साथ जाएंगे या इंडिया के साथ जाएंगे। एक तो एक बहुत बड़ा फैक्टर था डेमोग्राफिक्स का, कि जिसकी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वो पाकिस्तान के साथ चला जाए, जिसकी हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है वो इंडिया के साथ चला जाए। कश्मीर में हमने देखा कि जो पॉपुलेशन थी वहाँ पर ज़्यादा तो मुसलमान थी 75% के करीब, लेकिन जो उस वक्त हुकूमत कर रहा था वो था हिंदू राजा हरी सिंह, तो वो शुरू में किसी के साथ इल्हाक नहीं चाहता था, वो चाहता था कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहे। अब कायदे आजम को जब ये पता चला कि इंडियन सरकार इससे बैकडोर रबते करिए कि कश्मीर को इंडिया के साथ मिलाया जाए, तो अल्लाह जन्नत नसीब करे कायदे आजम को, वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक गोल खेला। वहाँ पर उन्होंने पता नहीं किस अल्लाह के बंदे ने उनको कश्मीर की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी ना वो बताई। बहुत सी प्रोमिनेंट वॉइस भी थी कश्मीर में जो चाहती थी कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें, और कायदे आजम ने उस पूरे इलाके की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझा, और उन्होंने एक फोर्स तैयार की जिसमें कबायली, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की अफवाज, चूंकि लोकल्स की सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी और बहुत आवाज़ें भी थी कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, तो इन्होंने हरी सिंह की जो फौजें थी उनको पुश करना शुरू कर दिया और बहुत बुरी तरह से शिकस्त दी। जब शिकस्त ये देखने लगा हरी सिंह, पहले तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मैं इसको एक सेपरेट स्टेट रखूँगा, किसी के साथ इलाक नहीं करूँगा, तब इसने जाके जब देखा कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने इसको बहुत पीछे तक पुश कर दिया, इन्होंने इंडिया से मदद मांग ली और कश्मीर वैली के पास फिर इंडियन फोर्सेज ने रेजिस्टेंस दिखाई, और थोड़ा बहुत ये जो लद्दाख, कश्मीर वैली और जो जम्मू का रीजन है वो इन्होंने सिक्योर किया, और जो नॉर्दर्न एरियाज़ थे और कश्मीर का एक पार्ट नॉर्दर्न एरियाज़ जिसमें गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, वो पाकिस्तान ने सिक्योर कर लिया, और इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न थी लोकल्स की सपोर्ट। ये कायदे आज़म की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक थी कि उन्होंने कश्मीर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझा और वहाँ के जो लाइक माइंडेड पीपल थे उनके साथ इल्हाक किया। उसी 1948 की जंग का नतीजा है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास नॉर्दर्न एरियाज़, जिनको अब गिलगित बल्तिस्तान भी कहते हैं, और कश्मीर के बहुत ज़्यादा एरियाज़ पाकिस्तान के पास आ गए, जिनमें मीरपुर और मुजफ्फराबाद वगैरह हैं, और आपकी पूरी ये नीलम वैली। चूँकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडिया के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि आज तक 72 साल गुजरने के बाद भी वो पॉपुलेशन इंडियन हुकूमत से खुश नहीं है। उस जंग में यूनाइटेड नेशंस काफ़ी एक्टिव होता था, वो इस मामले में कूद पड़ा। ये वही टाइम था जब यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि कश्मीर में प्लेबिसिट होना चाहिए, यानी कि एक राय शुमारी होनी चाहिए कि कश्मीरियों से पूछा जाए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं या अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं, तो वो खैर आज तक नहीं हुआ। तो 1949 में जो जंग बंदी हुई उसमें एक सीज फायर लाइन ड्रॉ की गई, जिसमें यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर्स भी मौजूद थे, पाकिस्तान के नुमाइंदे, और नेहरू ने भी अपने नुमाइंदे भेजे थे कराची
कराची में, कराची में ये एग्रीमेंट हुआ था जिसको आज तक हम कराची एग्रीमेंट के नाम से याद करते हैं। तो उसमें जो सीज फायर लाइन ड्रॉ की गई थी जो कश्मीर को डिवाइड करती थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, वो 830 किलोमीटर की थी। और आज उस लाइन को हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, क्योंकि बाद में जब शिमला एग्रीमेंट हुआ था भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान, तब ये लाइन सीज फायर लाइन से लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई थी। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चाइना और इंडिया के दरमियान जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं कश्मीर और लद्दाख में, उनको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कश्मीर के हवाले से, वो लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है। तो ये तो था थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ताकि आपको समझ लग जाए कि ये जो लाइन ड्रॉ की गई ना, ये एक पॉइंट तक ड्रॉ की गई जिसको कहते हैं NJ 9842। ये वो पॉइंट था जिससे आगे लाइन को एक्सटेंड नहीं किया गया, क्योंकि इन दोनों मुल्कों का ख्याल था कि आगे तो हैं ग्लेशियर्स और अनइनहैबिटेबल जोन है, कोई इंसान वहाँ पर आता नहीं है, कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ है, तो यहाँ पर डीमार्केशन की कोई सेंस नहीं बनेगी। तो लिहाजा उस लाइन को वहाँ पर छोड़ दिया गया। ये पॉइंट आपने जहन में रखना है, NJ 9842। ये सारा एरिया अगर आप मैप पर देखें ना, तो गिलगित बल्तिस्तान का जो हमारा रीजन है ये उसके ऊपर है, उसके नॉर्थ पर है। ये कराकरम रेंज, ये पूरी पहाड़ी रेंज जिसमें दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ियाँ हैं, जिसमें K2 भी है, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर भी है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के मुताबिक ये एरिया एक नो मैंस लैंड होना था। अब इसकी रीज़न ही यही थी कि उस वक्त जो सेटेलाइट टेक्नोलॉजी थी उसने इतना ज़्यादा तरक्की नहीं की थी, इसके अलावा भी जो ओवरऑल टेक्नोलॉजी थी वो इतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी थी। मतलब वहाँ पर जाने के लिए भी जो इक्विपमेंट जो गियर चाहिए होता है वो भी इतना ज्यादा नहीं बना था। आम इंसान मतलब सोच भी नहीं सकते थे 1947 में कि कोई इस इलाके में जाएगा भी। अब क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई। यूरोप के जो कोपेमा और माउंटेनियर्स थे ना, वो यूरोप और अमेरिका की सारी चोटियों को सर कर चुके थे, वो मतलब थक चुके थे अपने अपने रीजन से, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमारे इस रीजन में है। अपने अपने इलाकों को एक्सप्लोर करके जब वो थक गए, तब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान में एक कराकरम रेंज है जिसकी चोटियाँ आसमानों से बातें करती हैं, जहाँ पर एडवेंचर करने का अपना ही मज़ा है। मतलब बुलंद तरीन चोटियाँ वहाँ पर, ये है असल जगह। तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर से जितने भी कोपेमा थे स्पेशली यूरोप के, ये 60s की दहाई में आना शुरू हो गया पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान ने इनको लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिए इस पूरे रीजन में ट्रैकिंग के लिए, जिसमें K2 भी था और सियाचिन ग्लेशियर। मतलब सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तान की साइड से ये लोग जाते होते थे उसको सर करने, वहाँ पर एडवेंचर करने। तो ये थी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल जो 60s और 70s तक जारी रही। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उस वक्त जैसा कि हम सबको पता है, पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं ना, वो बड़े शानदार थे, और अमेरिकन्स पाकिस्तानी परसेप्शन के हिसाब से अपने मैप्स ड्रॉ करते थे पाकिस्तान और इंडिया के। और पाकिस्तान की परसेप्शन ये थी कि NJ 9842 जो पॉइंट था ना, जहाँ तक सीज फायर लाइन खींची गई थी, उससे आगे पाकिस्तान ने वो लाइन ड्रॉ की हुई थी कराकरम पास तक। ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, जिसकी वजह से क्या होता था कि सारा लेफ्ट का जो एरिया था जिसमें सियाचिन ग्लेशियर की सारी पीक्स थी, वो पाकिस्तान के अंडर आती थी। और इंटरेस्टिंगली अमेरिका भी वही नक्शे जारी कर रहा था जो पाकिस्तानी परसेप्शन को सपोर्ट करते थे। सियाचिन ग्लेशियर की अगर लंबाई की बात करें तो ये 76 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है, और नॉन पोलर रीजन्स में ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लेंथी ग्लेशियर है, जो तकरीबन 20,000 फीट की बुलंदी पर है। अब 1978 के करीब इंडियन फौज को और इंडियन इंटेलिजेंस को ये इत्तला मिली कि इस एरिए में तो एक्सपेडिशंस आ रही हैं, और पाकिस्तान आर्मी भी इस इलाके का चक्कर लगाती रहती है, तो उनके सारे जी कान खड़े हो गए। वो तो यही समझ रहे थे कि जो डीमार्केटेड जो लाइन है वो NJ 9842 तक ही है, उससे आगे कोई भी इंसान नहीं जाता। तो इन्हें जब ये पता चला ना कि पाकिस्तान अपनी साइड से एक्सपेडिशंस भी भेज रहा है और पाकिस्तान मिलिट्री के भी वहाँ पर चक्कर लगते रहते हैं, तो उनको खतरे की घंटी फील हुई। फिर उन्होंने फिर क्या फैसला किया इस इलाके की रैकी करने का, तो इंडिया के वो जो एक कर्नल थे वो अपनी टीम को लेकर चले गए, और कुछ साल उन्होंने इस इलाके की रैकी की। अब पाकिस्तान को भी इस रैकी का पता चल गया, तो तब वहाँ से मतलब आप कह सकते हैं कि अर्ली 80s से दोनों साइड्स ये प्लान बनाना शुरू हो गई कि सियाचिन पर दुश्मन को पहले कौन रोकता है और पहले कौन वहाँ पर अपनी फोर्टिफिकेशन कायम करता है। इंडिया ने 13 अप्रैल 1984 को एक कोवर्ट ऑपरेशन ऑपरेशन मकतूद के तहत ये फैसला किया कि सियाचिन ग्लेशियर में जितनी भी अहम चोटियाँ ना, उस पर कब्जा किया जाए। सियाचिन ग्लेशियर के लेफ्ट पर है सल्तोरो रिज, जिसमें कई इंपॉर्टेंट चोटियाँ हैं और पहाड़ हैं, तो इंडिया ने ये प्लान किया कि हम इस पूरे रीजन पर कब्जा कर लेंगे।
अब इस हवाले से एक कहानी भी मीडिया में बताई जाती है कि पाकिस्तान को जब आइडिया हुआ ना कि इंडिया इसको कैप्चर करने का सोच रहा है, तो पाकिस्तान ने 150 गियर, मतलब वो इक्विपमेंट जो सियाचिन पर किसी भी इंसान को सिक्योर रख सकता है, वो जो स्पेशल इक्विपमेंट था ना, वो एक ब्रिटिश कंपनी थी, सिर्फ वही बना रही थी। अब इत्तफाक से जो टाइमिंग थी ना इंडियंस की, वो भी तकरीबन मैच होगी, और उन्होंने भी उसी मतलब टाइम के इर्द गिर्द उस कंपनी से रابطہ किया। और जब उन्होंने रابطہ किया तो उन्हें पता चला कि ऑलरेडी, उन्हें वेंडर ने बताया कि ऑलरेडी किसी ने इनको ऑर्डर दिया हुआ है, तो इंडिया ये समझ गया कि ये ऑर्डर होगा पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, तो इन्होंने ऑर्डर मतलब ज़्यादा कर दिया और उन्होंने कहा हमें पहले भिजवाना आप। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि एक टैक्टिकल जीत इंडियन आर्मी को मिली। दोनों आर्मीज ये जानती थी कि जो पहले वहाँ पर पहुँच गया सियाचिन उसी का होगा, और इंडियन आर्मी ने यही किया, सबसे पहले वो पहुँच गए सियाचिन में। मतलब पाकिस्तानी फोर्सेस का आमना सामना किए बगैर ही उन्होंने एक काफ़ी बड़ी जीत हासिल कर ली। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान भी चुप बैठने वाला नहीं था, पाकिस्तानी आर्मी ने लॉन्च कर दिया ऑपरेशन अबाबील, जिसके तहत पाकिस्तान ने भी पैरेलल की जो चोटियां थीं उन पर कब्जा कर लिया और काफ़ी ज़्यादा फाइट की इनसे। पाकिस्तान ने जितनी भी उस इलाके में पैरेलल चोटियां थीं जो इंडियन चोटियों के सामने थीं उन पर कब्जा कर लिया, और पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की कि जिन चोटियों पर इंडिया बैठा हुआ था ना, जो ऊपर थी थोड़ी सी, उनको कंट्रोल किया जाए। लेकिन ऑब्वियसली इंडिया को ऊपर होने की वजह से एक बहुत ज़्यादा एज था, वो हमेशा देख लेते थे कि पाकिस्तानी फौजी ऊपर आ रहे हैं। तो इस टैक्टिकल एडवांटेज की वजह से आज की तारीख की भी अगर हम बात करें ना, तो जो अपर चोटियां मतलब जो ऊपर वाले इलाके हैं उन पर इंडिया का कंट्रोल है, और थोड़ा सा नीचे वहां पर पाकिस्तान बैठा हुआ है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर जो पहले एक बहुत ही एक पीसफुल रीजन था, इस वक्त दोनों मिलिट्रीज की प्रेजेंस है वहां पर। अब पाकिस्तान के लिए सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी फौज की मौजूदगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडियन एडवांस के बाद, पहले पाकिस्तान को इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इंडियन एडवांस के बाद ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पाकिस्तान उस इलाके को डिफेंड करे। ऑब्वियसली एक तो इंडिया के एडवांस को उन्होंने रोका बहुत ज़्यादा मतलब सख्त हालात में इन्होंने बैटल की, और दूसरा पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ा थ्रेट है कि इस पूरे ये जो कराकरम रेंज है, इसके नीचे आपके ये शहर आते हैं मेन सकरदू और खपलू वगैरह, और इंडस रिवर भी इसी इलाके से बहकर आगे जाता है जो पूरे पाकिस्तान में बहता है। तो पाकिस्तान को इसी वजह से इस पूरे बल्तिस्तान के रीजन में हमारी जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको बढ़ाना पड़ा। हम पाकिस्तान के उन SSGs और उन फौजियों को सलाम पेश करते हैं जो इतने सख्त वेदर में वहाँ पर बैठे हैं और मुल्क का दिफा कर रहे हैं। अब भारत के लिए क्यों सियाचिन ग्लेशियर पर आकर बैठना बहुत ज़रूरी है? ये चीज़ भारत की बका के लिए ज़रूरी है, क्योंकि भारत कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान NJ 9842, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में ही एक मतलब एंड पॉइंट है पाकिस्तान का, उसे कनेक्ट कर दे कराकरम पास से, और फिर कनेक्ट हो जाए चाइना से। और इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और चाइना एक पॉइंट से ही इंडिया के लिए थ्रेट साबित हो। मतलब दो दुश्मनों को भारत एक ही वक्त में डिफरेंट साइड से तो टैकल कर सकता है, लेकिन दो दुश्मनों को एक ही वक्त पर एक ही जगह से टैकल करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया ने अपनी एक टांग पाकिस्तान और चाइना के दरमियान लाकर खड़ी कर दी है सियाचिन में। ये इंडिया की डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इंडिया की स्पेशली फौज के मुताबिक, इसीलिए उन्होंने 1984 में वो ऑपरेशन किया और सियाचिन पर आकर बैठ गए। मतलब ये आप कह सकते हैं एक बहुत ज़्यादा डर शो करता है इंडियन मिलिट्री का कि कहीं पाकिस्तान और चाइना इकट्ठे ना हो जाए। नो डाउट पाकिस्तान और चाइना खुंजराब पास से तो कनेक्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ इंडिया नहीं है। पाकिस्तान और चाइना अगर कराकरम पास से कनेक्ट करें ना, तो वहाँ पर है इंडिया का बॉर्डर, और कट्ठे पाकिस्तान और चाइना का जो एक एक जॉइंट वेंचर हो सकता है, वो इजीली लेह और लद्दाख तक पहुँच सकती हैं पाकिस्तान और चाइनीज़ फोर्सेस। तो उसको रोकने के लिए इंडिया की जो मिलिट्री प्रेजेंस है सियाचिन पर इंडियन डिफेंस के मुताबिक, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गलवान वैली वाली वीडियो में मैंने आपसे एक आर्टिकल शेयर किया था जो इंडिया के एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर ने लिखा था, और उन्होंने भी इसी चीज़ को मैंशन किया था कि कराकरम वो पॉइंट है जहाँ पर पॉसिबल कोलूजन हो सकता है पाकिस्तान और चाइनीज़ फोर्सेस का। मैं इसको एक और एग्जांपल इस तरह भी दूंगा कि भारत की बका के लिए ये इतनी ज़रूरी है इस टांग को अड़ाना, चाहे वो टांग जख्मी ही क्यों ना हो, और नो डाउट वो टांग भारत की जख्मी है। भारत के कई सोल्जर्स इसमें मारे जाते हैं, सख्त मौसम की वजह से कई मसाइल पेश आते हैं भारत को, और इसके साथ ही इतना ज़्यादा बजट भी यहाँ पर ज़ाया हो जाता है, लेकिन फिर भी भारत की एक बहुत बड़ी मजबूरी है। मतलब अपना पेट
काट कर ये दिफा करते हैं इस इलाके का, और इंडिया के कई हलकों में आवाज़ भी उठती है कि इस जंग को अब हमें बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान से भी आवाज़ें उठती हैं, कई इतना ज़्यादा बजट ज़ाया हो जाता है, मतलब हर तरफ नुकसान ही नुकसान है, लेकिन इसके पीछे थिंकिंग क्या है कि कहीं पाकिस्तान और चाइना का मिलाप ना हो जाए। अब पाकिस्तान का तो पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल यही है कि NJ 9842 से पाकिस्तान की टेरिटरी बनती है करकरम पास तक, जिसकी वजह से पूरा सियाचिन का एरिया हमारे पास आता है। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि NJ 9842 से एक लाइन ड्रॉ की जाए जो इंदिरा कोल की तरफ जाती है, अब उसकी वजह से ये सारा सियाचिन ग्लेशियर भारत के पास आ जाता है। तो ये है टसल इस ट्राइंगल की जो आप देख सकते हैं मैप पर, मतलब पाकिस्तान कहता है हमारी यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए डीमार्केशन LOC की, और इंडिया कहता है NJ 9842 से इंदिरा कोल की तरफ, ये भी एक पॉइंट है। इंडिया कहता है कि अगर आप NJ 9842 को इंदिरा कोल तक एक्सटेंड कर देना और इस पूरे रीजन को इंडिया का एरिया मान लें, तब हम अपनी फौजें वापस हटा लेंगे, जबकि पाकिस्तान इस हवाले से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। इन हालात में एक आम आदमी के लिए ये सोचना भी मुश्किल है कि वहाँ पर एक फ़ौजी किस तरह अपना गुजारा करता है। 24 घंटे वहाँ पर फौजी अलर्ट बैठे होते हैं, कभी उनको ख़तरा होता है दुश्मन की गोली से और कभी सख्त मौसम से। कुर्रा अर्ज़ पर हाईएस्ट बैटलफील्ड, जहाँ पर सोल्जर्स को एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, और जहाँ पर टेम्परेचर कभी कभार -60 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। आपको याद होगा कि 11 सेक्टर में पाकिस्तान ने 140 जवानों की कुर्बानी दी थी, जब एक बहुत बड़ा बर्फानी तोदा उन पर आकर गिर गया था, और पाकिस्तान का पूरा जो बेस कैंप था ना 11 सेक्टर में, जो सियाचिन के हवाले से सबसे मेन बेस कैंप था, वो पूरा दब गया था नीचे, और 140 अफराद उसमें दब गए थे और सारे ही उसमें शहीद हो गए थे। पाकिस्तान ने कई साल ऑपरेशन किया उस इलाके में और उनके जसद खाकी वहाँ से निकाले। इंडिया की एक इनसिक्योरिटी की वजह से उन्होंने इतने एक पीसफुल रीजन में एक इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप किया, जिसमें 4000 उनके फौजी उन्होंने वहाँ पर उतार दिए, कई रेजिमेंट से उनका ताल्लुक था, कहा जाता है तकरीबन 7 रेजिमेंट्स उन्होंने अपनी उतारी हुई हैं वहाँ पर। उसके अलावा तोपें, एंटी हेलीकॉप्टर मिसल्स, सरफेस टू एयर मिसल, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान को भी मजबूरन ऐसा करना पड़ा अपने दिफा में। दुनिया भर के एनवायरमेंटलिस्ट इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा खबर दार कर रहे हैं, वो खुश नहीं है इस हवाले से कि यहाँ पर जंग क्यों हो रही है, और उनका पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि टेम्परेचर्स के राइज होने की वजह से पूरी दुनिया में जो ग्लेशियर्स का पिघलाव है उसमें बहुत तेज़ी आ गई है, और इस जगह पर मतलब जो कराकरम रेंज है सारी, इसको दो जगह से अब थ्रेट है, एक तो टेम्परेचर्स के राइज होने की वजह से भी बहुत तेज़ी से बर्फ़ पिघल रही है, और दूसरा इतना ज़्यादा मिलिट्री एक्टिविटी, मतलब उनके रहने के लिए जगह, फिर एग्लोज जो होते हैं उनको गर्म रखने के लिए गैस पाइपलाइन भी वहाँ तक पहुँचाई जाती है। तो आप खुद सोचें कि कितना स्पीड अप हो जाता होगा ये सारा अमल ग्लेशियर्स के पिघलने का, मतलब आप खुद सोचें, ये जो कराकरम रेंज है ये दुनिया की लार्जेस्ट नेचुरल इरिगेशन सिस्टम है, जहाँ से बर्फ़ पिघल कर पाकिस्तान और इंडिया की तरफ जाती है और दरियाओं की शक्ल इख्तियार करती है, मतलब इतना ज़्यादा नेमत है ये आपके लिए और हम इसको ख़राब कर रहे हैं। ये जो कराकरम की पूरी रेंज है इसको थर्ड पोल भी कहा जाता है, और ये पूरा इकोसिस्टम इस वक्त खतरे का शिकार है, तो ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी पाकिस्तान और इंडिया दोनों को, स्पेशली इंडिया को जो अग्रेसर हैं इस हवाले से, जिन्होंने पहले आकर वहाँ पर कब्ज़े जमाने की कोशिश की है। इसके अलावा आपका कितना पैसा ज़ाया होता है दोनों कंट्रीज़ का, पाकिस्तान का यौमिया 3 करोड़ रुपया लगता है और इंडिया का 5 से 7 करोड़ रुपये के करीब डेली लगता है यहाँ पर। इसके अलावा जानी नुकसान दोनों साइड्स का वो अलग है, और फिगर्स के मुताबिक 65 से 70% जो अमवात है ना वो दुश्मन की गोली से नहीं होती बल्कि मौसम की सख्ती की वजह से होती हैं, जिसमें सोल्जर्स को हाइपोथर्मिया, हाइपोक्सिया, फ्रॉस्ट बाइट तक हो जाता है, जिसमें सोल्जर्स के हाथ और पैर दोनों काटने पड़ते हैं। और इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिपिक्ट किया हुआ है पाकिस्तान के एक बहुत ही आला ड्रामे अल्फा ब्रेवो चार्ली में, जिसमें दिखाया हुआ है कि कैप्टन काशिफ किस तरह जब सियाचिन से मुहिम करके वापस आते हैं तो उनके हाथ और पांव दोनों काट दिए जाते हैं। और दुनिया भर के जो कुछ एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं ये एक यूज़लेस वॉर है, जिसमें दोनों साइड्स के फौजी फजूल में अपनी जान गंवा रहे हैं। इस हवाले से कई निगोसिएशंस के राउंड भी हो चुके हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी मतलब इनकरेजिंग न्यूज़ ये है कि 2003 से यहाँ पर सीज़ फायर है। सीज़ फायर तो ऑब्वियसली होगा लेकिन सुकून नहीं है, अभी भी सोल्जर्स एक दूसरे की रैकी करते हैं, अलर्ट बैठे होते हैं हर वक्त कि कहीं दुश्मन का सामना ना हो जाए।
हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके ख्याल में पाकिस्तान और भारत को मिल बैठकर इसका परमानेंट सलूशन ढूंढना चाहिए या आपके ख्याल में जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी इसका दिफा करना बहुत ज़रूरी है और भारत के मुताबिक उनके लिए भी यहाँ पर जो उनकी प्रेजेंस है वो बहुत ज़रूरी है। कमेंट कीजिए, इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।